नमस्कार। आज तारीख है 24 दिसंबर 2021 और जो चंद्र नक्षत्र है वो मगा है और कल का दिन जो है वो चंद्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे क्योंकि चंद्र अभी सिंह राशि के अंदर चल रहे हैं। तो आपको थोड़ी एक जानकारी देनी थी कि आज का जो दिन है ये खास करके आज और कल 25 दिसंबर नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी, तो जिनका भी जन्म का सूर्य या चंद्र पुनर्वसु और आश्लेषा नक्षत्र के अंदर हैं, ये दोनों जातक आज बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग करेंगे। आज और कल दो दिन 24 और 25 दिसंबर, क्योंकि जो सूर्य है अभी मूला नक्षत्र में चल रहा है सौन योनि के अंदर और जो चंद्र का नक्षत्र आज है वो मगा है और 25 दिसंबर को पूर्व फाल्गुनी है, तो दोनों की जो योनि है ये मूषक योनि है। अब हमने बताया कि जो जिनका जो कोई भी जातक का जन्म पुनर्वसु चंद्र या पुनर्वसु सूर्य या तो आश्लेषा सूर्य और आश्लेषा चंद्र हैं, ये दोनों जातकों के लिए ये दो दिन 24 और 25 दिसंबर ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग करवाने वाला क्यों है? क्योंकि सूर्य भी शत्रु जैसा है, आश्लेषा जो मांजर है, मांजर माने बिल्ली, तो सूर्य जो है वो अभी श्वान योनि के अंदर चल रहे हैं, श्वान माने कुत्ता, तो ये अनकम्फर्ट कराने वाला है, तो फिजिकली भी अनकंफर्टेबल फीलिंग होंगे। और चंद्र जो है ये जातकों को थोड़ा सा मानसिक अनकंफर्टेबल फीलिंग करवाएंगे क्योंकि जो पुनर्वसु है इसके लिए जो चंद्र का नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी ये प्रत्यारी है और आश्लेषा के लिए जो पूर्व फाल्गुनी है वो विपत नक्षत्र है और आज का जो नक्षत्र मगा है ये पुनर्वसु के लिए क्षेम है और आश्लेषा के लिए ये संपत नक्षत्र है, लेकिन प्रबल योनि दोष के कारण, प्रबल माने प्रबल स्ट्रॉन्ग एनिमी बोल सकते हैं। तो आपने कभी देखा है कि चूहा बिल्ली को खाने देगा? नहीं देगा। तो बिल्ली को वेट करके बैठना पड़ता है कि कब चूहा दरबे से निकले और उसका शिकार करें, तो यही सिचुएशन होने वाली है। जो कोई भी जातक का जन्म पुनर्वसु और आश्लेषा नक्षत्र में है और ये दो दिन खास करके 24 और 25 ये जातक जो है बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग करेंगे। जिनका भी जन्म का सूर्य पुनर्वसु में कब होते हैं पहले वो आपको बता देते हैं। जन्म का सूर्य पुनर्वसु जिनका भी जन्म हुआ होता है 6 जुलाई से 20 जुलाई, तो ये समय के दरमियान जितने भी जातक का जन्म हुआ है अप्रोक्सीमेटली 6 से 20 जुलाई के बीच में, ये सब जातक का सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में होता है। और आश्लेषा में सूर्य कब होते हैं? 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त, तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 17 का जो पीरियड है जिनका जन्म हुआ है अगस्त के अंदर, ये जातक आश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुए थे। तो ये जो ट्रांजिट है अभी आज और 24 और 25 की, तो जो मिथुन राशि के अंदर है पुनर्वसु नक्षत्र और आश्लेषा जो कि कर्क राशि के अंदर है, तो ये जातक आज बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग करेंगे। मिथुन और कर्क राशि वाला जातक, आपके मित्र हैं कोई मिथुन राशि और कर्क राशि वाले मित्र, तो ये प्रेडिक्शन आप उनको जरूर शेयर करें क्योंकि ग्रहों का जो हमारे ऊपर इफेक्ट है फ्रेंड्स, ये दो प्रकार से होता है। सूर्य से हमारे ऊपर फिजिकल इफेक्ट होता है, चंद्र से जो हमारे ऊपर इफेक्ट होता है वो मानसिक होता है। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों साथ में हैं तो आपको हमारे सब प्रेडिक्शन है वो ज़बरदस्त इफेक्ट करने वाले हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रेडिक्शन अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक का एक बटन जरूर बनता है। मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में जल्दी। नमस्कार। जय गणेश। जय श्री द्वारकाधीश।